तेरा आशीर्वाद पा करके सभी धन्य हो जाएंगे। सुदामा ने कहा हाँ भैया बिल्कुल बुलाइए। भगवान ने सभी पटरानी रानियों को आदेश दिया जा करके और अपना परिचय देना और उनके चरणों पर प्रणाम करना, ये चरण कमल बहुत कीमती हैं, इसका आशीर्वाद मिल गया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। रुक्मणी इत्यादि ने कहा हे भगवान, ये कौन ऐसा महापुरुष आ गया जिसके लिए इतना आप उत्साहित हैं? कहा ये ब्राह्मण है। कहा हाँ प्रभु, तभी हम सोचे कि अरे कोई देवता भी आ जाए तो आप कभी इतनी तैयारी नहीं करते, आज मेरे नाथ इतना क्यों परेशान है? एक ब्राह्मण आया है इसलिए। रुक्मणी मैया जाती है, कहा हे ब्राह्मण देव, मैं प्रभु की पहली पटरानी, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं आपके चरणों पर बारंबार प्रणाम कर रही हूं। सुदामा जी ने कहा कि ये मेरे लाला की पत्नी है, इसको बहुत आशीर्वाद दे रही थी, तो आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, ये वती भव, वो वती भव, पचासों आशीर्वाद निकाल दिए मुंह से, पचासों आशीर्वाद दिए, गदगद हो गया शरीर। रुक्मणी आगे बढ़ी, इतने में जामवती मैया पहुंची। कहा महाराज, मैं प्रभु की दूसरी पटरानी हूँ, जामवती मेरा नाम है, मैं आपके चरणों पर बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। देखा लाला बाजू में ही खड़े, लाला से पूछा लाला ये कौन? कहा ये भी अपनी है, हमारी ही है। अच्छा अच्छा, सुदामा जी ने सोचा भाई द्वारकाधीश है, राजा महाराजा लोग हैं तो दो तीन विवाह किए होंगे, उनको भी बहुत आशीर्वाद दिया। इतने में सत्यभामा मैया पहुंच गई, कहा लाला अपने नहीं ये भी है। अच्छा अच्छा, तो तीन कर लिए होंगे भाई, राजा लोग हैं, उनको भी ढेर आशीर्वाद दिए। इनके बाद हमारी नग्नजीती मैया पहुंच गई, कहा मैं भी परमात्मा की पांचवी पटरानी, चौथी पटरानी होनी हूँ। कहा लाला, कहा तू देते तो जाए आशीर्वाद बस। कहा ठीक ठीक, देते गए। अब पहले 50 आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ, फिर वो 40, 30, 20, 10, 5, हजारों निकल गए, लस्त हो गए मेरे सुदामा जी, लस्त हो करके अब तो बैठ गए, अब भाव भर मुंह से निकले, भाव 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 भाव, दो चार 5,000 हुए। कहा लाला, तू भैया मुझको एक बार बता तो दे कि अभी कितने बचे हैं या कितने रह गए? जब से आया हूं तब से आशीर्वाद ही दिए जा रहा हूं, कितने तूने ब्याह किए? कहा कुछ नहीं, अभी आधे हुए हैं, आधे बस और बचे। सुदामा जी कहा भैया तू तो आशीर्वाद दे दे देते मार ही डाले गए आज मेरे को, ऐसा कर कि तू इकट्ठे जितने बचे हैं सबको बुलाए दे तो मैं एक के बारे में सबन को आशीर्वाद दे दूं, कम से कम मेरी जान तो बचेगी। कहा हाँ ये भी ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। सभी को बुलाया, 16,108 को खड़े किए, फिर उनके बालकों को, फिर उनके बालकों को, पुत्र वधुओं को, उनकी संख्या देख करके तो बहुत चक्के हो गए हमारे सुदामा महाराज, ये तुम्हारा परिवार है। कहा बस इतना ही है। कहा लाला ये बस इतना ही है तो ज्यादा कितना होगा? तेरी लीला धन्य है लाला, तेरी लीला धन्य धन्य। सभी को यथा योग्य आशीर्वाद सभी को प्रदान किया है। रात्रि को मैया ने आज सुंदर भोजन बनाया, आज सुंदर थाल में परमात्मा भोजन लेकर के आज सुदामा जी के सामने आए। सुदामा जी ने आज सुंदर भोजन प्राप्त किया, परंतु भोजन प्राप्त करते करते सुदामा जी के नेत्र से अश्रु गिरने लग गए। जब भोजन को देखा तो सुदामा जी को अपने बालकों की याद आ गई, मैं यहाँ पर खा रहा हूँ, मेरे बालक भूखे हैं, क्या दशा होगी उनकी? थोड़ा सा खाया, कहा बस लाला अब भूख नहीं लग रही, हमको इतना खाने की आदत ही नहीं है, कभी हमने तो पहली बार आज देखा है कि भोजन ऐसा भी होता है। बस लाला मेरा पेट भर गया। लाला ने बहुत मिन्नतें करी, तू खा ले सुदामा। नहीं लाला, बस जितना था मैंने को मैंने खा लिया।
रात्रि को भगवान ने आज अपने ही शयन कक्ष में आज शयन कराया। परमात्मा रात्रि को पैर दबा रहे हैं और ऊपर पर रुक्मणी पंखा कर रही है। सारे देवता कहते हैं धन्य भाग है सुदामा आपके। जगत का जो स्वामी है वो पांव दबा रहा है और जगत की जो माँ है वो तेरे सिर में पंखा कर रहे। तुझसे बड़ा भागी और कौन होगा संसार में। तेरी जय हो सुदामा, तेरी जय हो। प्रातः हुआ, सुंदर स्नान इत्यादि हुए, दिव्य वस्त्र अलंकार पहने। भगवान ने कहा कि सुदामा यदि तुझे बुरा न लगे तो मैं स्वयं तेरा तिलक कर दूं, चंदन लगा दूं तुझको। सुदामा ने कहा हाँ हाँ लाला, तेरी इच्छा है तो तू ही लगा। भगवान ने तिलक लिया हाथ में। जैसे ही लगाने के लिए उसके माथे पर भगवान की नजर गई, ठाकुर को वहां पर कुछ लिया हुआ लिखा हुआ दिखा। सुदामा जी के माथे पर लिखा था श्री छह। श्री मतलब लक्ष्मी, छह मतलब कमी। इसके पास तो लक्ष्मी कई जन्मों तक नहीं आई है। हे भगवान, कैसे जीवन चलेगा इसका। ये बोल कुछ नहीं रहा है, इसके घर की स्थिति में जानता। ये मांगेगा भी नहीं कुछ कुछ, इसलिए इसको दूंगा लेकिन इसको बताऊंगा नहीं। भगवान ने तिलक लगाया और जैसे ही नीचे से ऊपर अपने सुंदर अंगूठे को किया है तो वो श्री छह जो लिखा था वो आज पलट गया। श्री छह को भगवान ने यक्ष श्री कर दिया है। तुझे उतनी संपत्ति में देने वाला हूँ, जो कुबेर के पास है वो संपत्ति अब तेरे पास आएगी। बोलिए दीन वत्सल भगवान की। श्री छह को यक्ष श्री किया। भगवान ने कहा कहा भाभी ने कुछ खबर अबर भेजी है कि बस ऐसे ही खाली हाथ आया। तुरंत पोटली का ख्याल आया कि कहीं पोटली देख तो न लिया हो इसने। छुपाने का प्रयास किया। कहा हाँ लाला, एक खबर भेजी है तेरी भाभी ने। कहा अच्छा, क्या खबर है। जो खबर थी सुशीला ने जो बोला था वो बोला। भगवान सारे भाव को समझ गए कि इनके यहाँ पर रोज एकादशी का त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं। भगवान के नेत्र सृजल हुए, परंतु सुदामा जी को कुछ नहीं कह रहे क्योंकि तूने कुछ नहीं बोला। जिसने मुझको बताया है अब देना होगा तो मैं सीधे उसी को दूंगा, तुझको नहीं पता चलने दूंगा। पोटली को भगवान ने जबरदस्ती लिया, देखा तो उसमें अलग अलग रकम के चावल थे। कहा इसके यहाँ एक रकम का चावल भी नहीं है। एक मुट्ठी उठाई, जैसे ही अपने एक मुट्ठी मेरे प्रभु ने खाई, एक लोक की संपत्ति सुदामा जी के यहाँ पहुंच गई। दूसरी मुट्ठी उठाई, उसको भी ग्रहण किया, दूसरे लोक की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी पकड़ी, उसको लेने का प्रयास किया, रुक्मणी मैया ने आकर के हाथ पकड़ लिया। कहा दया करिए दीननाथ, आपका भी बहुत बड़ा परिवार है, लड़के बच्चे बहू नाती पोता नतुर सब है आपके पास भी। विचार तो करिए, तीनों यदि लोग की संपत्ति दे दिए तो जो दशा सुदामा जी की है वो दशा अब आपकी भी हो जाएगी। सारा डेरा जब आप उसको दे दोगे तो फिर कहाँ रहेंगे हम, क्या खाएंगे हम। अपने बालकों के लिए भी तो कुछ बचाइए। एक लोग की संपत्ति में जी लेंगे, एक लोग की संपत्ति छोड़ दो। ये भाव रुक्मणी के अंतर मन में उठा। ऊपर से तो रुक्मणी ने कहा ये ब्राह्मण के यहाँ का प्रसाद है प्रभु, पूरे परिवार को मिलना चाहिए, आप अकेले ग्रहण इसको मत करिए। परमात्मा ने बाकी का सभी दिया। कहा तुमने संदेश बताया भाभी का, तो एक संदेश मेरा भी भाभी को जाकर के बता देना। अरे कहा हाँ भैया, तू भी बताए दे, मैं जाऊंगा तो वो तो मुझसे पूछबे करेगी, तो तू भी अपने इस संदेश को बताए दे, तो वाकों में जाए करके बताए दूंगा।
कहा भाभी से जाकर के कहना कि आपके संदेश को आपके देवर ने सुन लिया और एक संदेश देवर ने भी आपके लिए दिया। कहा कि होनी थी जो हो गई अब ना ऐसी हो और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कहा अभी तक जो होना था भाभी वो तो हो गया, पर तू चिंता ना कर, तेरे घर में अब मैं इतनी संपत्ति दे रहा हूं कि तेरे यहां अब रोज भंडारा होगा, रोज द्वादशी का भंडारा कर, पूरे संसार को खिला, पर तेरे यहां कमी होने वाली अब नहीं है। आज दो लोग की संपत्ति आज पहुंचा दी है। सुदामा जी को कोई भान नहीं कि मेरे प्रभु ने क्या कर दिया है। सुदामा जी को अब परिवार का ख्याल आया। कहा लाला अब भैया अब मुझको तू आदेश दे दे तो अब मैं अपने घर वापस चला जाऊं। भैया बहुत दिन हो गए, भाभी भी चिंता कर रही होगी, बाल गोपाल भी, सभी राह देख रहे होंगे। भगवान ने नहीं रोका, नहीं रोका, जा। सुदामा जी ने कहा ये कपड़े तूने दिए हैं तो ये तो रख ले। भगवान ने मना नहीं किया, कहा इनको उतार के जा, तू जैसा आया था तू वैसे ही जाएगा, जो तू लाया था वही लेके जा, तूने मुझसे सामने कुछ कहा नहीं तो मैंने तुझको सामने कुछ दिया नहीं, जिसने मुझसे मांगा मैंने उसको दे दिया। सुदामा जी परमात्मा की छवि को हृदय में धारण किए और लाला का दर्शन प्राप्त हुआ। परमात्मा ने कहा अब की बार अगली बार आना तो पूरे परिवार को लेकर के आना, अकेले नहीं आना। सुदामा जी ने कहा हाँ लाला अब की बार आऊंगा तो सभी को लेकर के आऊंगा। दोनों मित्र अंतिम बार आज मिले, परमात्मा देख रहे हैं सुदामा जी अपने घर की तरफ वापस धीरे 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 चल दे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो यह सुंदर प्रसंग हमने श्रवण किया। लौट करके सुदामा जी अपने घर में आए तो झोपड़ी की जगह बहुत दिव्य महल उनको दिखाई दिया। अंदर से सुशीला सुंदर गहनों वस्त्र अलंकारों से शोभित आरती की थाल लेकर के आई और दिव्य आरती उतारी है। कहा हमारा कहाँ गया झोपड़ी? अरे कहा जिस दीनानाथ के पास आप गए थे उसने झोपड़ी को आज महल बना दिया। तुरंत नेत्रों से सुदामा जी के अश्रुपात हुआ, दौड़ करके गए ठाकुर जी की मूर्ति के सामने साष्टांग दंडवत हुआ। कहा तूने मोको कुछ बताया नहीं लाला और पूरे संसार की संपत्ति मोको दे दिया, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। भगवान ने आज उपस्थित होकर के अपना प्रेम आशीर्वाद दिया है और अपने धाम को गए हैं। इस तरह सुदामा जी के चरित्र को सुखदेव जी ने बड़े सुंदर भाव से समझाया। आगे कुछ समय बाद परमात्मा ने अपने पूरे परिकर को आज एकत्र किया, ब्राह्मणों से श्राप दिलवाया और ब्राह्मणों से श्राप दिलवा करके प्रभु ने पूरे परिवार को अपने परम धाम भेजा है। और एक व्याघ ने मेरे प्रभु के तलवे पर बाण मारा और बाण लगते ही परमात्मा भी इस परम धाम को छोड़ करके और अपने गोलोक धाम की ओर प्रस्थान करते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये परमात्मा अपने धाम के लिए पहुंचे। इधर सुखदेव जी महाराज एकादश स्कंद में बहुत सुंदर प्रसंग, ये भी सुनने लायक प्रसंग है। दत्तात्रेय मुनि महाराज का बहुत सुंदर वर्णन एकादश स्कंद में है। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजाओं के बारे में बताते हैं सुखदेव जी और कल की अवतार के बारे में परमात्मा की थोड़ी सी चर्चा हुई है।
द्वादश स्कंद में कलयुग के बारे में वर्णन करके परीक्षित मोक्ष की कथा बताई। सप्तम दिवस जब सुखदेव जी ने कथा को समाप्त किया तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि महाराज आपको मैंने पूरी कथा सुना दी है, अब आप बताइए कि अब आपको कैसा लग रहा। परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रभु आपने मेरे प्रभु की सुंदर लीला सुंदर कथा को आपने मुझको बताया, अब मेरे अंदर से मृत्यु का पूरा भय निकल गया है, अब मुझे तक्षक आके डस भी ले तो भी मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने जा रहा हूँ। सुखदेव जी ने कहा तथास्तु, मैं यही चाह रहा था, अब मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तब तक तक्षक यहाँ पर नहीं आ सकता। सुखदेव जी उठ करके जाते हैं और यहाँ तक्षक आकर के परीक्षित महाराज के शरीर को डसता है। परीक्षित महाराज की आत्मा तो कब तक परमात्मा के चरणों में पहुंच चुकी है। इस तरह सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत सुना करके राजा परीक्षित का उद्धार किया। बोलिए सुखदेव महाराज की। यह श्रीमद् भागवत क्या द्वादश स्कंद की कथा। अब बड़े संक्षेप में मैं आपको श्रीमद् भागवत का महत्व, समय थोड़ा सा कमी है तो थोड़ा संक्षेप में मैं आपको श्रीमद् भागवत का महत्व बता देता हूँ। श्रीमद् भागवत के महत्व को स्कंद पुराण से लिया गया है। 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महत्व की रचना है। वेदव्यास जी महाराज ने 6वें अध्याय में नियम इत्यादि के वर्णन किया है। 5 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महत्व की चर्चा दी है। श्रीमद् भागवत के महत्व को सनकादि ऋषियों ने हरिद्वार के पावर भूमि पर नारद जी और भक्ति ज्ञान वैराग्य इत्यादि सभी संत समाज को बताया। भक्ति ज्ञान वैराग्य इनके कल्याण के लिए प्रयास करते करते नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम पहुंचे। चारों भाई वहां पर दर्शन दिए। नारद जी को चिंतायमान देख करके सनकादि भाइयों ने पूछा कि आपके चेहरे पर चिंता क्यों है। नारद जी ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण करना है, उनको पुष्ट करना है। आकाशवाणी ने बताया सत्कर्म करो भैया, पर मैं नहीं जानता सत्कर्म क्या होता है। उसी को पूछते पूछते यहाँ आया पर कोई नहीं बता पाया। चारों भाई मुस्कुराए, अरे कहा आप जैसा परमहंसी संत भगवान का इतना बड़ा भक्त और सत्कर्म नहीं जानता। अरे श्रीमद् भागवत सप्ताह ही सत्कर्म है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत सुनाओ, उनका कल्याण होगा। चारों भाई हरिद्वार में पहुंचे। व्यासपीठ बनाया गया, चारों भाई उस व्यासपीठ पर आसीन हुए। नारद जी मुनि महाराज आज श्रोता के रूप में हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य को वृंदावन से बुलाया, संसार में खबर फैली अत्रि वशिष्ठ चवन और बड़े बड़े देवर्षि ब्रह्मर्षि चले आए श्रीमद् भागवत सुनने। नारद जी ने पहला प्रश्न पूछा, जिस भागवत की आपने बहुत बड़ाई बताई है, इस भागवत में समर्थ है कि बड़े से बड़े पापी को भी तार दे। चारों भाई मुस्कुराए, कहा तुम पापी की बात करते हो नारद, जिसने जन्म से मरने तक कभी पाप क्या पुण्य के बारे में सोचा ना हो, जीवन में कोई पुण्य किया ना हो, मरने के बाद भी अधोगति में प्राप्त हो, वो भी मरने के बाद श्रीमद् भागवत सुन ले तो भी उसको वैकुंठ मिलता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। नारद जी ने जो ना इसके महत्व को सुना है, आज तो नारद जी के होश उड़ गए। अरे कहा जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी उद्धार है। कहा बिल्कुल यही है पुराण की क्षमता है। कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आपके पास कोई यदि उदाहरण हो तो आप बताइए, ऐसे मैं ना मानूंगा। कहा बिल्कुल कुल उदाहरण भी। कहा सरस्वती नदी के किनारे गांव में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव बड़ा ही शांत, धुंधली उतनी ही कर्कश बोलने वाली।
भगवान ने सब कुछ दिया पर कोई संतान नहीं। आत्मदेव एक दिन मरने के लिए जाते हैं पर एक साधु संत की कृपा होती है, एक फल देते हैं, इसको अपनी पत्नी को देना, उसको संतान होगी। लाकर के पत्नी को दिया, पत्नी ने मना किया, बाद में खा लूंगी। पत्नी के मन में भाव नहीं था खाने का। उसकी बहन आई, बहन जैसे ही आई तो बहन से परेशानी बताई। बहन ने कहा, तू बहन चिंता न कर, मेरे यहाँ पर संतान बहुत हैं, तेरे यहाँ पर डेरा संपत्ति बहुत है, मैं भी गर्भ से हूँ, मैं अपना बालक तुझको दे दूंगी, तू उसके बदले मुझको संपत्ति दे देना। कहा ठीक है, और ये फल का क्या करें? जीजा जी लाए हैं, ये फल इस गाय को खिला देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कहा ठीक ठीक। समय धीरे धीरे बढ़ा, उसकी बहन के धुंधली के बहन के बालक हुआ, ला करके उसको दिया, उसके बदले सोना चांदी इत्यादि उससे लिए। उस बालक का नाम रखा गया धुंधकारी। बालक बहुत ही नीच था। 3 महीने बाद जिस गाय को खिलाया उस गाय के भी एक बालक हुआ, बहुत सुंदर बालक था, कान उसके गऊ के समान थे, नाम पड़ गया गोकर्ण, गोकर्ण महाराज। बहुत विद्वान धुंधकारी, उतना ही नीच, उतना ही दुष्ट, दुष्ट बहुत परेशान करे, बहुत अत्याचार करे माता पिता पर। आत्मदेव कहे, इससे अच्छा तो मैं बालक ना होता तो ज्यादा अच्छा। कहा पिताजी बाप छोड़िए। गोकर्ण जी ने कहा, परमात्मा का ध्यान करिए। गोकर्ण जी और धुंधकारी और धुंधली ये बस घर में रहे। धुंधकारी धुंधली को मारे पीटे, पैसा छीने, धुंधली भी एक दिन जाकर के कुएं में कूद के अपना प्राण अंत कर ली। अब घर में केवल धुंधकारी, गोकर्ण महाराज भी तीर्थ यात्रा को निकल गए। 5 वेश्याओं को घर में ले आया। उन वेश्याओं ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा कुकर्म किया, चोरी डकैती हत्या डाका सब गलत कार्य किए। लाला करके चोरी करके धन उनको देता जाए। वेश्याओं ने विचार किया, इसको मार के हम यहाँ से संपत्ति लेकर के चले जाएं, और नहीं तो राजा पकड़ेगा तो मौत ही मारेगा। कहा ठीक है। मदरा पान करके रात्रि को धुंधकारी एक दिन आया, चारों हाथ पैर उसके बिस्तर में बांधे, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और लट पकड़ के जो ना मारना शुरू किया है। मारते मारते थक गए, लट टूट गए, परंतु धुंधकारी नहीं मरा। कहा बहना, अब तो इसको जिंदा छोड़े कि ये सुबह हमको मार दे। तो कहा भाई कैसे मारे? एक ने कहा, चूल्हे में अंगारे हैं, कोयला है, जलता हुआ अंगारा कोयला इसके मुंह में ठूसते हैं तब तो कहीं मरेगा। ला करके कोयला मुंह में ठूसा, लठ से बहुत प्रहार किया, तब जा करके वो मर गया। प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण महाराज को पता चला तीर्थ यात्रा में, गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, सब किया, लौट के घर आए। रात्रि को विश्राम कर रहे थे, रोने की आवाज सुनाई दी गोकर्ण को। अभी मंत्रित करके जल छोड़ा, प्रेत योनि में धुंधकारी था। कहा भैया, मैंने जीवन में बहुत पाप किए थे, इसलिए ये प्रेत योनि मुझको मिली है। इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट है, आप कोई ऐसा साधन करिए जिससे मैं इस प्रेत की योनि से मुक्त हो जाऊं। कहा ऐसा कौन सा साधन है जो प्रेत योनि से मुक्त कर दे? कहा मैं तो नहीं जानता, सूर्य महाराज से कल पूछूंगा तभी कोई साधन निकलेगा। दूसरे दिन सूर्य महाराज की आराधना करी, उनसे पूछा। उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत सुनाइए, श्रीमद् भागवत में इतनी क्षमता है कि तार सकता है। उसी साल भादों के महीने में गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत आरंभ करी। व्यासपीठ पर गोकर्ण महाराज बैठे हैं, पूरा गांव सहयोग कर रहा है। धुंधकारी को जगह नहीं मिली। उस पंडाल में प्रवेश किया, प्रवेश करते करते एक बांस 7 गांठ का मिला। उसी बांस में नीचे से छेद में जाकर के बैठे, सप्त दिवस श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। एक एक गांठ रोज फटती गई। सप्तम दिवस कथा जैसे ही समाप्त हुई, उस बांस से एक दिव्य महापुरुष प्रकट होता है, परमात्मा का यहाँ से विमान आया।
उसमें आरूढ़ हुए धुंधकारी जी। गोकर्ण ने पूछा, ये केवल इन्हीं के लिए बस क्यों है? सभी ने सुना है भागवत, सभी के लिए विमान क्यों नहीं? कहा महाराज, जिस तन्मयता से, जिस भाव से धुंधकारी ने सुना, यहाँ पर किसी ने नहीं सुना। यदि कोई वैसा सुनता तो उसके लिए भी बिहारी जी जरूर विमान भेजते। कहा ठीक है। धुंधकारी मुक्त हुआ, परमात्मा के धाम को गए। अगले साल सावन के महीने में पुनः गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत प्रारंभ करी। पूरे गांव ने आकर के श्रीमद् भागवत सुना। सातवें दिन की कथा समाप्त हुई। पूरे पंडाल के लिए आज विमान आया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी आरूढ़ होकर के आज अपने अपने धाम को गए हैं। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया। धन धन श्रीमद् भागवत, केवल आप में ही इतनी क्षमता है प्रभु, जो आप बड़े से बड़े पापी जीव को भी तार सकते हैं। कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत एक ऐसा साधन है जो परमात्मा के किसी भी भक्त को तारने की क्षमता रखता है। इसका श्रवण, मनन, चिंतन, कीर्तन सब कुछ परमात्मा के धाम को ही पहुंचाता है। कोई दूसरा रास्ता इसका है ही नहीं। जाएगा जीव तो सीधे परमात्मा के वैकुंठ में। यह सुंदर आज परमात्मा का विमान आया। गोकर्ण महाराज भागवत को प्रणाम किए और परमात्मा के धाम को विदा हुए। सनकादि कहते हैं कि नारद जी, देखा आपको हमने ऐसी कथा सुनाई है, प्रमाण है कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ कितना समर्थवान है। अरे कहा, ये पुराण नहीं, ये तो पुराणों का तिलक है। जब तक पुराणों के मध्य में श्रीमद् भागवत विराजमान नहीं है, पुराणों की शोभा नहीं बनेगी। सबसे उत्तम पुराण है। सभी पुराणों का सार इसी पुराण के अंदर निहित है। सप्तम दिवस नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी संत समाज को श्रीमद् भागवत शंकादियों ने सुनाई। सातवें दिवस की जैसे ही कथा समाप्त हुई, भक्ति ज्ञान वैराग्य खड़े होकर के नृत्य करने लगे। यौवन अवस्था को प्राप्त किया है। ऊपर से बड़े बड़े भक्त परमात्मा के ध्रुव, प्रहलाद, इंद्र, सुखदेव सभी आ गए। सभी परमात्मा की जय जयकार कर रहे हैं और एक परमात्मा का भजन भी है और ये परमात्मा का सुंदर कीर्तन भी है। इन सभी को सभी ने गाया और उन सभी के बीच परमात्मा ने आकर के सभी भक्तों को यहाँ पर दर्शन दिया है। तो अंतिम उसी कीर्तन या मंत्र, कुछ भी कह लें आप, परमात्मा का मंत्र भी है, वो कीर्तन भी है, उसी को हम आप सभी गाएं। और इस कीर्तन के साथ में श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग का अंतिम दिवस और इस कीर्तन के साथ में यहीं पर इस सत्संग को हम आप विराम देंगे। पुनः फिर कभी परमात्मा की कृपा हुई खिरसारी ग्राम में पुनः श्रीमद् भागवत हम आप सभी श्रवण करेंगे। और बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे।